अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूवर्स, ये जो है सीसीटीवी में जो इशू है वो चेक करते हैं क्या मसला है। ये देख सकते हैं हमारी जो एलसीडी है डीवीआर की, वो झटके मार रही है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, डिस्प्ले आते के साथ ही छोड़ जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं, इसको हम फिर सेट करते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, इधर से पहले जो है ना चेक करें कि इसका बिजली केबल लूज़ तो नहीं है, इसका नेट लूज़ तो नहीं है एलसीडी में। पहले आप ये कर लें, ये नट लूज लग रहे थे मुझे, मैंने इसको टाइट कराया। अब हम चेक करते हैं इसको चला कर। जी हमारा डिस्प्ले आ गया है और कैमरे बंद हैं, कैमरे भी चेक करते हैं क्या इशू है। ये देखें, ये कैमरा जो है सही तरह से आ नहीं रहा और दो कैमरे हमारे बंद हैं। अब हम चेक करते हैं क्या मसला है कैमरों में। अच्छा दोस्तों, हम आ गए हैं डीवीआर की तरफ और देखते हैं वन बाय वन निकाल के पिन जो ख़राब हैं उनको चेक करते हैं, पिनें ख़राब हो गई हैं। नेटवर्क हमारा काम कर रहा है बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं वर्किंग पर है। ये मैंने एक पिन निकाल ली है इसकी, डीसी बीएनसी, इसको कहते हैं बीएनसी कनेक्टर। तो ये मैंने आपके सामने निकाल ली है, तो इसकी वायर ये ज्वाइंट लगा हुआ है, मुझे ख़राब लग रहा है। ज्वाइंट खोल के चेक करते हैं। ज्वाइंट चेक करके दोबारा बनाएंगे, फिर चेक करेंगे कि हमारा रिज़ल्ट आया है कि नहीं आया। अच्छा, हमने जो है ना पॉइंट सबके नए बना दिए, सारे कनेक्टर हमने लगा दिए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा रिज़ल्ट आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त आ गया है। ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर आने वाली में आपको समझाऊंगा कि कनेक्टर किस तरह से लगाना है, किस तरह ज्वाइंट लगाने हैं, वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करना ताकि मुझे पता चले कि आपकी राय क्या है। जो भी राय हो आप कमेंट लाजमी करिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।